हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड। आज हम बात करेंगे पेस्ट लिंक का कैसे यूज़ करते हैं, और एक्सेल पे हम वर्क करेंगे, एक फॉर्म क्रिएट करेंगे और इसको हम लिंक कर देंगे एमएस वर्ड से। यानी क्या, हम एक्सेल से डेटा चेंज करें और एमएस वर्ड पे डेटा चेंज हो जाए। इसका तरीका क्या है मैं बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पे हम कोई काम कर लेते हैं, एक फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं टेक्स्ट इनवॉइस का, या डेटा एंट्री का फॉर्म रेडी करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। हमने यहाँ करना है डेटा एंट्री का फॉर्म, हम लिखा सीरियल नंबर और हम लिख देते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम। इसमें लिख दिया हमने डेसिग्नेशन, और नेक्स्ट में लिख दिया हमने यहाँ पे और चीज़ें हो सकती है, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार, और यहाँ पे हम कर सकते हैं एड्रेस, यहाँ पर जेंडर, और लास्ट में दे सकते हैं DOB। ओके, यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मेट है, इसको हम डबल क्लिक करके सेट कर लेंगे। देखो एक तरीका है कि पूरा पूरा को सेट करना हो ना, तो यहाँ पे क्लिक कर लिया करो कॉर्नर पे, और डबल क्लिक करिएगा तो ये पूरा क्या होगा, ये पूरा पूरा एडजस्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सीरियल नंबर के, तो सीरियल नंबर हमने लिख दिया 1, और इसको हम ट्रैक कर लेते हैं। एम्प्लॉय नेम की बात हो रही है तो हम एक फॉर्मेट यहाँ बना लेते हैं, हमने लिख दिया कुमार, और कुमार जो है डेस्टिनेशन का कर देते हैं MD। इनका मोबाइल नंबर है 10 अंक, ईमेल एड्रेस दे दिया हमने कुमार, और हमने इसको इनका आधार नंबर दे दिया 16 अंक, देखो जब हम 16 अंक को लिखते हैं ना 12 अंक से अधिक तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है। इसके बारे में मैंने पूरा डिस्कस किया है होम मेनू, मेरा मैंने एक वीडियो बनाया है, होम मेनू का पूरा पूरा लेक्चर है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये पूरा पूरा यूज़ मैंने बताया है, इंसर्ट का यूज़ मैंने बता दिया है, पेज लेआउट का भी मैंने यूज़ बता दिया है। यहाँ पे काम करना होता है नंबर फार्मेट, ये नंबर फार्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं, अगर ऑफिस वर्क सीखना चाहते हैं तो आप उसको ज़रूर देखें। यहाँ पर एड्रेस की बात हो रही है, हमने लिख दिया है यहाँ पर कोई भी NDR VNS, और जेंडर मेल DOB हमने दे दिया कोई भी 01199. अब देखो इसको कैसे यूज करते हैं, डिलीट करेंगे, ये हमारे पास फॉर्मेट है, हमें इनको यूज करना है तो हमें ओपन कर लेते हैं MS Word पे। हमें करना क्या है, हम जाएंगे होम मेनू ले लिया हमने, यहाँ पे डिज़ाइन, ये देखा इंसर्ट लिख रहा है, आप टेबल ले लो यहाँ पर टेबल, यहाँ पे कितने टेबल हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे वापस जा करके देख लेते हैं हमारे पास कितने टेबल थे। यहाँ पे वन, देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं कॉलम वन, अगर चेक करना चाहते हो डायरेक्टली इसको चेक कर लो यहाँ पे से टैग करके, यहाँ पे हमने क्लिक किया, चेक कर लेते कितने कॉलम है, क्लिक किया हमने कॉपी, सॉरी देखो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कॉलम है 2 रो है, तो यहाँ पे इंसर्ट कर लो आप एक शेप, शेप के अंदर टेबल बना सकते हो या टेबल बना लो डायरेक्टली, तो हमें चाहिए 7 कॉलम, और जितना रो बनाना चाहते हो मंगा लो, ओके करो। यहाँ पे हमें उसका पूरा फॉर्मेट चाहिए, तो देखो फॉर्मेट कैसा है, हमारे पास फॉर्मेट है मैं बताता हूँ, ये हमारे पास टेबल आ गया, हमें इन चीज़ को सेलेक्ट करना होगा,
सेलेक्ट किया एरिया को, हमें करना होगा कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ फॉर्मेट लिखा हुआ है, दिखा लिखा है पेस्ट। तो देखो एक तरीका है ना, यहाँ से कॉपी किया, अब वापस से ले जाओ एम एस वर्ड पर, और एम एस वर्ड पर जाने के बाद यहाँ पर लिखा है होम, हमें फॉर्म पेस्ट पर जाएंगे, यहाँ लिखा है पेस्ट स्पेशल, इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ लिखा है एस टी एम एल फॉर्मेट और यहाँ लिखा है पेस्ट लिंक, तो पेस्ट लिंक पे आप क्लिक करिएगा और ओके कर दीजिएगा। आपको यहाँ पे अब टेबल दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ। ये हमारे पास जो पहले वाले थे उनको हटा देते हैं, ये डायरेक्टली यूज हो चुका है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये डायरेक्टली बन चुका है ना, हम यहाँ पर एक्सेल पे काम करेंगे। एक्सेल को मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि सामने सामने आपको दिखे हर चीज़। ये रहा एक्स एम एस वर्ड, ये रहा एक्सेल, और इसको स्मॉल करते हैं ऐसे, स्मॉल किया मैंने। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं कलर करता हूँ, जैसे मैंने कलर किया, ध्यान देना, मोबाइल नंबर को कलर किया, ठीक है। तो यहाँ पर भी उस चीज़ को चेंज होना चाहिए ना, तो चेंज अगर नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, इसका एक तरीका है, यानी हम यहाँ पे कोई भी काम करें तो डेटा यहाँ पे चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए हम इसको बड़ा कर लेंगे टेबल को। टेबल बड़ा करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हमें दोबारा, एक फिर से आप देख लीजिए, ये मेरे पास डेटा है एक्सेल में, और यहाँ पे अगर मैं इसको, मैंने सेलेक्ट किया पूरा पूरा एरिया को, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद एम एस वर्ड पर जाइए, यहाँ पे होम ऑप्शन है, पेस्ट पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे लिखा है एस टी एम एल फॉर्मेट, पेस्ट लिंक पे क्लिक करो और ओके करो। ये डेटा यहाँ पर आ जाएगा। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ भी चेंज करोगे ना तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कलर करो, देखो कलर हो गया, यहाँ पे कलर करो, कलर हो जाएगा। यानी इन दोनों के बीच में एक लिंक स्टेबलाइज हो गया, जिस तरीके से आप अगर कोई भी काम यहाँ पे चेंज करो वो फॉर्मेट यहाँ पे हो जाएगा तुरंत। आप कुछ भी अप्लाई करें देख लो, यहाँ से बॉर्डर लगाओगे वहाँ बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान काम हो जाता है हमारा, कोई भी इसको सेलेक्ट करो, अगर इसको बोल्ड करना चाहते हो तो बिल्कुल बोल्ड करो, ये तरीका हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम पेस्ट लिंक को स्टेबलाइज कर पाएंगे। तो मैं कुछ जितने भी डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स होंगे मैं उनको अलग से भी कवर करूँगा, बाकी मैं होम मेन्यू को पूरा कवर करूँगा, इंसर्ट पेज लेआउट और भी मेन्यू को मैं कवर करूँगा, ठीक है। इस तरीके से आप चैनल बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।